देखिए, आप सबसे पहले अगर एनिमल लवर हैं तो मीट का सेवन करना बंद कर दीजिए, डेयरी प्रोडक्ट्स खाना बंद कर दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि डेयरी प्रोडक्ट्स जब आप खाते हैं तो गाय का दूध निकालने के बाद उस जब वो गाय दूध देने लायक नहीं रहती है तो उसको बुचर हाउस और स्लॉटर हाउस पर भेज दिया जाता है, उसको मारा जाता है, उससे लेदर बनता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है और आप इस प्रोसेस में ज़िम्मेदार हैं। आप दूध पी रहे हैं उसका, जो कि उसके बच्चे के लिए होता है, उस बच्चे को भी भूखा रखा जाता है। लड़की होती है तो फर्दर उसको ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट करके जो उसकी माँ के साथ हुआ था वो उसके साथ किया जाता है, और अगर मेल होता है तो वो उनके लिए यूज़लेस होता है इंडस्ट्री वालों के लिए, तो वो उसको मार देते हैं। दूसरा, आप अगर मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं छोड़ पा रहे हैं, यहाँ पर आपको लग रहा है कि आपको इसकी एडिक्शन है, टेस्ट है आपको, तो आप बाकी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। आप सेलिब्रेशंस में घोड़े और ऊँट और हाथियों का इस्तेमाल ना कीजिए, वो इतने शोर शराबे में परेशान हो जाते हैं। फिर आप जूज मत जाइए, सर्कसेस, एक्वेरियम्स, उनको पिंजरों में रखा जाता है। कोरोना वायरस में आप भी अपनी चार दीवारी में बंद हो गए थे, आपको कैसा लगा? आपको फ्रस्ट्रेट हो गए ना, एनजाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गया, ऐसे ही वो परेशान हो जाते हैं एक ही जगह में कन्फाइंड रह के, सारा टाइम बंद रह के। और फिर छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हैं। आप एक तो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स के लिए एक आईडी कार्ड आता है, AWBI, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया या पावर इंडिया या पीपल फॉर एनिमल, ऐसी NGOs का आप अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आपको कल को कोई कंप्लेन लिखनी हो, FIR करनी हो, मेनका गांधी जी को कुछ बात करनी हो, आप अपना आईडी कार्ड दिखा के अपनी कंप्लेन रजिस्टर दिखा कर सकते हैं। कोई आपको ज़्यादा रोक टोक करता हो तो आप उसको बता सकते हैं कि इंडियन पिनल कोड धारा 428, 429, 503, 504 के तहत आपको थ्रेटन करना, जानवर को तंग करना पनिशेबल ऑफेंस है, और इसके लिए कम से कम 5 से 11 साल की सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी लग सकता है। इसके साथ साथ आप अपने आसपास जो बेघर बेजुबान जानवर हैं उनके लिए पानी और भोजन का प्रबंध करें। अगर और हो सके तो आप प्लीज़ ख़रीदें नहीं ब्रीडर से, आप अडॉप्ट कीजिए, क्योंकि ब्रीडर्स क्या करते हैं, एक माँ को जब उसकी प्रेग्नेंट करके उसके सारे बच्चे बेचते हैं, फिर से उसके माँ के साथ ऐसा करते हैं, उसका रेप करते हैं, और उस माँ का जब वो बच्चे देने लायक नहीं रहती है तो उसको फेंक देते हैं और फिर से ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। और ये वो लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो बहुत ही चीप और घटिया मेंटालिटी के होते हैं, तो आप ऐसे लोगों को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? फिर आप अपने आसपास के जो लोग हैं उनका एंटी रेबीज कराइए, या आपके लिए और उस जानवर दोनों के लिए अच्छा है। आप एनिमल बर्थ कंट्रोल कराइए, स्पे, न्यूटर, स्टेरलाइज कराइए। आप गर्मियों में, सर्दियों में, बरसात में निकले छोटे छोटे घर बना सकते हैं, कंबल रख सकते हैं, इनके लिए कोट या शर्ट ला के इनको पहना सकते हैं, और इनको सड़क दुर्घटना, रोड एक्सीडेंट से बचाने के लिए आप इनको रिफ्लेक्टिव कॉलर्स पहनाइए। आप इन्हें अडॉप्ट कर सकते हैं, आप अडॉप्ट नहीं कर सकते तो आप इनको खाना खिलाइए, इनका दवाई कीजिए, दवाई सीखिए कैसे करते हैं, फर्स्ट एड, मेडिकल इमरजेंसी, आप वॉलंटियर कीजिए, आप फॉस्टरिंग कीजिए, आप नहीं तो डोनेट कीजिए, स्पॉन्सर कीजिए, आप आसपास के लोगों को शिक्षित कीजिए, एडुकेट कीजिए, आप कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं, क्योंकि भगवान की सेवा, वैसे भी भगवान मूर्तियों में तो होते नहीं हैं, मंदिरों में तो होते नहीं हैं, मंदिर के बाहर जो लोग बैठे हैं, जानवर बैठे हैं, उनमें हैं, आप में हैं और हम में हैं। और फर्स्ट एड किट ज़रूर सीखें, कोशिश कीजिए जिन जानवरों को इलाज स्ट्रीट ऑन स्ट्रीट हो सकता है उनको आप स्वस्थ जानवरों को शेल्टर ना भेजें, क्योंकि वहाँ और 400 बीमारियाँ उनको लग जाएंगी, और वैसे भी वहाँ उनका कोई अपना तो होता नहीं है, तो यहाँ वो जल्दी रिकवर होंगे। इसके अलावा आप सोचिए कि अगर आप कभी पेट लेते हैं तो आपको उसका माँ बाप बनना है, मालिक नहीं बनना है, ओनर बनना है, एक ज़िंदगी, सारा ज़िंदगी भर का रिश्ता निभाना है और एक फैमिली सदस्य की तरह रखना है। और गाड़ी आप कृपया स्लो चलाएं सड़क पे, जैसे आपके घर वाले आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप घर लौटेंगे, ऐसे जानवर का भी एक सदस्य उसका इंतज़ार कर रहा है कि हाँ मेरा भाई, मेरा बहन, मेरी बेटी, मेरा बेटा वापस आएगा, तो उनके अंदर भी फीलिंग्स होती हैं।